बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मराती बली। आज मैं हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे मटन मसाला। बहुत ही सिंपल और सादा रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई लूँगा। कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रहा हूँ और आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मटन है हमारे पास वो तकरीबन 1 किलो मटन है और इसके साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है ले लें आप और अच्छी तरह उसको पकाएं। सोते करने के बाद हम उसमें मटन डाल देंगे। ये तकरीबन 1 किलो मटन है मेरे पास। ये गर्दन का जो है वो गोश्त है और आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी हिस्से का मटन ले सकते हैं। मटन को थोड़ा सा पकाएंगे हम और तकरीबन इसको हम 45 मिनट का दम लगाएंगे और दम ऐसा होगा कि मीडियम से लो फ्लेम पे हम लगाएंगे ताकि गोश्त जो है हमारा गल जाए। हमने इसको प्रेशर कुकर नहीं लगाना है, प्रेशर कुकर में हम नहीं पकाएंगे, हम नॉर्मली ऐसे ही पकाएंगे, सादा सिंपल हल्की आंच पे। मटन हमारा जो है तकरीबन 70% जो है ना वो गला होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे, फिर उसके साथ भी हम पकाएंगे इसको, तो ज़्यादा ना हो तकरीबन जो है ना 70% ये गला हुआ हो। इसके साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून जो है नमक डाल देंगे इसमें, आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई वो ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें काली मिर्च भी डालेंगे हम तो उसी हिसाब से हम नॉर्मली डालेंगे। ये मटन मसाला जो है मैं इंशाल्लाह जो मटन कढ़ाई खाते हैं, मटन कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और आराम आराम से पकाएँ। इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 मीडियम टमाटर जो है बारीक चॉप किए हुए वो ऐड कर देंगे और चूल्हा नीचे हमने तेज़ कर देना है, क्योंकि मटन हमारा जो है तकरीबन 70% पका हुआ है। तो इसके साथ ही टमाटर जब अपना पानी छोड़ेंगे और इसमें पकेगा तो इंशाल्लाह हमारा जो मटन है बिल्कुल तैयार होगा। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त पक रहा है। यहाँ पर मटन की जो है ना हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। चूल्हा हमने नीचे से तेज़ रखना है और चम्मच भी बराबर हिलाते रहना है हमने, ताकि जो टमाटर हैं वो नीचे ग्रेवी लगे नहीं, और साथ साथ आप बिल्कुल हिलाते रहें। आँच आपने नीचे बिल्कुल तेज़ रखनी है। देखिए माशाल्लाह आप ऐसे हिलाते रहें। अभी मेन जो है इसकी बुनाई है और जितनी मेहनत हम बुनाई पे करेंगे इंशाल्लाह मटन हमारा उतना ही जायकेदार बनेगा। इसमें ज़्यादा मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता है मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ मसाले। जितने कम मसाले आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह सालन जो है ना आपका उतना ही मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे आपको मैं एक टिप दूंगा कि बड़े होटलों में भी ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ का खाना जो है मज़ेदार भी होता है और ज़्यादा खाया जाता है। और बड़े लोग जो हैं वो खाते हैं खाना तो बार बार होटल में खाते हैं, इसी वजह से वो फिट रहते हैं। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि हर सालन में जो है माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त पक रहा है। देखें ज़्यादा जो ना हर खाने में धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर नहीं इस्तेमाल होता है, ना ही गरम मसाला होता है। इसके बगैर भी खाने ऐसे ज़बरदस्त VIP बनते हैं खाने माशाल्लाह। ये कुटी हुई काली मिर्च है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पिसी हुई नहीं है कुटी हुई है, और इसको थोड़ा सा पकाएँगे हम। और साथ ही इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही मैं कुटा हुआ ज़ीरा लूँगा। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है माशाल्लाह। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। मटन हमारा जो है बिल्कुल तैयार है, इसमें हरी मिर्चों की थोड़ी गार्निश कर देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगेबान।